टाटा नगर के आउटर पे क्रॉल करते करते ही रुक गई हमारी ट्रेन। दिस इज पुरी, ये थोड़ा छोटा है एंड ठंडा है यार, गर्म नहीं है। हेलो दोस्तों, यू आर वाचिंग माय चैनल ट्रेन लवर्स ज्योति एंड एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका और एक नया जर्नी ब्लॉग पे। आज हम लोग की जर्नी होने जा रही है ट्रेन नंबर 22892 रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस। इस ट्रेन में आज हम इस ट्रेन में से करके टाटा नगर से हावड़ा तक जर्नी करने जा रहे हैं। राइट नाउ आई एम इन टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन। आज हम इस ट्रेन में से करके टाटा नगर से हावड़ा तक जर्नी करेंगे एंड जर्नी के दौरान जो होगा आपका भाई डिजिटली शेयर करेगा आपके साथ। घर बैठे बैठे एक बार फिर से हो जाएगी आपकी डिजिटल जर्नी। और इस ट्रेन को हाल ही में कुछ ही दिन पहले एलईजी फाइट किया गया है, मतलब इसको मिला है चमचमाता हुआ एलईजी रेक। और दोस्तों ये जो ट्रेन है रांची इंटरसिटी दो रूट पे रन करती है, एक जाती भाया टाटा नगर होके जिस पे हम जर्नी कर रहे हैं आज एंड और एक जाती भाया आद्रा होके। भाया आद्रा वाली जो है वो भाया टाटा नगर वाली से 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा टाइम लेती है हावड़ा पहुंचाने। तो यात्रियों पे ध्यान दीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां फिर से एक बार कस के बांध लीजिए क्योंकि ज्यादा वक्त न गवाए हम हमारे इस जर्नी को भी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों टाटा नगर से हावड़ा तक 250 किलोमीटर की जर्नी को हम कवर करने जा रहे हैं। टाइम लगेगा हमारा 4 घंटा 10 मिनट के आसपास एंड इस जर्नी के दौरान हमारा 4 हॉल्ट आएगा जिनमें से मैं 3 हॉल्ट को कवर करूंगा। और बाकी इस ट्रेन से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको जाननी है, कहां से छूटती है, कितना फेयर है, कोच कंपोजिशन, रूट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इस ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो चलिए ट्रेन को आने देते हैं, ट्रेन आने के बाद मेरी आपसे मुलाकात होती है। भैया केक दीजिए ना, ये वाला किसका है ना? तो दोस्तों हमने यहाँ से एक केक लिया है 30 का क्योंकि सुबह कुछ भी खा के नहीं आए थे, तो ये केक उसके लिए लिए है और कुछ ही देर में हमारा ट्रेन आ जाएगा। 20 मिनट्स लेटर। तो ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन आ रही है रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसमें लोकोमोटिव लगा हुआ है 30586 शात्रागाछी सेट की WAP7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो दोस्तों दिस इज आवर कोच D5, मैन्युफैक्चर किया गया था 2021 का ही ब्रांड न्यू एलएचबी कोच है। अंदर चलते हैं और अपना सीट दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है मेरा सीट, विंडो सीट है, सीट नंबर 11। तो यहाँ पर थोड़ा क्राउड है इसलिए हम DL1 में जा रहे हैं, उधर से ही हम जर्नी को एंजॉय करेंगे एंड वीडियो शूट करेंगे। 5 मिनट्स लेटर। Few minutes later. तो दोस्तों टाटा नगर के आउटर पे क्रॉल करते करते ही रुक गई हमारी ट्रेन। हमको मिल चुका है रेड सिग्नल, देखिए। तो चलिए देखते हैं इधर से कब खुलती है, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे पहला हॉल्ट एंड ट्रेन के छठा हॉल्ट घाटशिला रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड GTS। इधर अपना ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है एंड ट्रेन हमें इधर पहुंचाई है 12 मिनट्स डिले। घाटशिला के बारे में बात करूं तो ये स्टेशन झारखंड स्टेट के ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, उसी के साथ साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के खड़गपुर डिवीजन के अंदर आता है। पहले स्टेशन का नाम था बंगाल नागपुर रेलवे। इन द ईयर 1900 स्टेशन को पहली बार ओपन किया गया था 1962 से 63 के बीच में, इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। इधर 5 प्लेटफॉर्म से और 46 ट्रेन इधर आके हॉल्ट करती है रोजाना एंड एक ट्रेन ओरिजिनेट होता है, एक ट्रेन टर्मिनेट होता है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ DL1 कोच पे और अगर मैं कोच की साफ सफाई की बात करूँ तो साफ सफाई A1 है, बहुत ही बढ़िया है। और इधर देखिए एक पंखा दिया गया है, छोटा सा एक फैन है इधर, बहुत ही बढ़िया है ये भी। और दोस्तों अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर बाकी LHB ट्रेन की DL1 की जो कोच है उनके जैसे ही है। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं रांची इंटरसिटी का वॉशरूम। तो वॉशरूम में जाने से पहले सामने देखिए मिरर, एकदम चकाचक मिरर है, नीचे टैप और बेसिन और टैप में से देखिए पानी आ रहा है, सोप होल्डर, डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर, इधर भी एक डस्टबिन और इधर है लाइट। अब चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ इस रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस की वॉशरूम के अंदर। सामने देखिए एक मिरर, नया LHB कोच है, इसके मतलब शीशा भी नया है, एकदम चकाचक आप मुझे देख सकते हो यार। नीचे टैप और बेसिन और टैप में से पानी आ रहा है लेकिन स्पीड थोड़ा कम है, चलेगा। कितना क्लीन है देखिए, सुपर यार। खिड़की है, इधर देखिए हैंड शावर में भी पानी आ रहा है और दिस इज फ्लश, इसको ज़रूर से दबाना आफ्टर यूजिंग वॉशरूम। एंड होल्डर, लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, बहुत ही बढ़िया है होल्डर और ये एक लॉकिंग सिस्टम है, हैंगर है। वॉशरूम A1। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ इसको आप गंदा मत करना, ऐसा जो है ऐसा ही रहने देना यार, ठीक तरीके से यूज़ करना। दोस्तों ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आया है, वॉशरूम के बाहर ये लगा हुआ है। ये देखिए इधर अगर वैकेंट लिखा रहेगा तो इसका मतलब है आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, अंदर कोई नहीं है। और अगर अंदर का आदमी अंदर से लॉक किया हुआ रहेगा तो इधर आ जाएगा देखिए एंगेज, मतलब कि अंदर कोई है, आपको वॉशरूम जाने के लिए बाहर इंतजार करना पड़ेगा।
अब हम पहुंच चुके हमारे सेकंड हॉल्ट एंड ट्रेन के आठवां हॉल्ट झरग्राम रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड JGM। इधर अपना ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन में इधर पहुंचाइए, 11 मिनट डिले। अब इसके बाद खड़गपुर आएगा, उसके बाद हम पहुंचेंगे हावड़ा। तो मिलते आप लोगों से खड़गपुर पर। झारग्राम स्टेशन हमारे वेस्ट बंगाल के झारग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, उसी के साथ ही साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के खड़गपुर डिवीजन के अंदर आता है। इन द ईयर 1900 को स्टेशन को पहली बार ओपन किया गया था एज लाइक एज घाटशिला, और 1962 से 63 के बीच में इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। इधर 4 प्लेटफॉर्म है और 32 ट्रेन का इधर हॉल्ट है। इधर 10 ट्रेन ओरिजिनेट होते हैं, 10 ट्रेन टर्मिनेट होते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को अगर मेरे साथ डिजिटली ट्रेवल करके मज़ा आ रहा है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बाजू में जो घंटी है घंटी को भी दबा दो। A few minutes later.
दोस्तों अब हम आके पहुंचे खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, हमारा तीसरा हॉल्ट एंड ट्रेन का नौवां हॉल्ट, स्टेशन कोड KGP। इधर अपना ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन में इधर पहुंचा ये 3 मिनट्स बिफोर। इधर ही आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड दोस्तों इधर जब भी आता हूँ एक आदमी का याद आता है, वो MS धोनी सर, जो यहाँ पर एक समय ड्यूटी करते थे यार 8 नंबर प्लेटफॉर्म से, यार लेजेंड लोग है यार। तो दोस्तों हमने यहाँ से खड़गपुर से पूरी सब्जी लिया है और इसका प्राइस पड़ा है 20 रुपया, इसमें 7 पूरी और सब्जी रहेगा। तो चलिए डिपार्चर के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है सब्जी और ये है कुछ 7 पूड़िया, काफी नाजुक है देखो और छोटे छोटे, फिर भी यार काम चल जाएगा। 7 पूड़िया है, 7 पूड़िया और ये सब्जी खाते हैं और टेस्ट बताते हैं। तो गाइस दिस इज पूड़ी, ये थोड़ा छोटा है एंड ठंडा है यार, गरम नहीं है, गरम कैसे होगा। और सब्जी की मैं बात करूं, ये देखिए सब्जी की मैं बात करूं, सब्जी सही है एंड इसके साथ मिर्ची दिया गया है और ये लिटिल हार्ट हमने खरीदा था, तो टेस्ट लगभग सही है पर ठंडी है यार। तो खाते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से अंतिम डेस्टिनेशन हमारे हावड़ा स्टेशन पर।
फाइनली हम आके पहुंचे हमारे अंतिम डेस्टिनेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड HWH। इधर अपना ट्रेन का पहुंचने का शेड्यूल अराइवल टाइम था 3:10 एंड ट्रेन हमें 1 मिनट डिले करके यहां पहुंचाई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस की जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में। अगर एक शब्द में मैं कहूं तो गजब यार, गजब। हाँ, पंचुअलिटी थोड़ा सा वीक था आज, लेकिन यार ट्रेन का रन बहुत ही बढ़िया हुआ है एंड मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा आज। और वॉशरूम के बारे में क्या ही बोलूं, एकदम ढांसू वॉशरूम है यार। आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं, ये जो वॉशरूम है इसको गंदा मत करना प्लीज यार। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि कौन सा सीन, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आपको पसंद आया है। एंड अगर चैनल पे नए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, एंड बाजू में जो घंटी है घंटी को भी दबा दो। एंड अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, यूजर नेम देख सकते हो नीचे @trainlovers123। अगर कंटेंट पसंद आते हैं मेरे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना। और जिसने भी बोला है कि जर्नीज आपको कुछ नया सिखा के तभी जाती है, एकदम सच। इसी के साथ ही एक बार फिर से माई सन ट्रेन लवर ज्योति आप लोगों से फिर से मिलूंगा किसी और एक दिन, किसी और एक नई जर्नी ब्लॉग के साथ, किसी और एक नई वीडियो पे। तो तब तक के लिए अलविदा, गॉड ब्लेस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।